लॉ ऑफ मैलस के अंदर इमेजिन करो आपके पास एक पोलराइजर है और आपके पास एक एनालाइजर है। तो मान लो ये ऐसे पड़े हुए हैं, इसका एक्सिस है, इसका एक्सिस है, पोलराइजर और एनालाइजर में एंगल कैन के बीच में अभी जीरो। अब एंगल कैन के बीच में 90, ये जीरो है और ये 90, और अब कितने हैं थीटा, राइट? समझ में आ रहा है डायग्राम? तो दिख रहा है यहां से। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, पूरा पोलराइजर बनाने की जरूरत क्या है, एक्सिस। ये पोलराइजर है, ये एनालाइजर है, ये इनके तो क्या है, दोनों के एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस है। तो पोलराइजर एनालाइजर में एंगल क्या है अभी एक्सिस में, जीरो। अभी एंगल क्या है इनके बीच में, 90। अभी एंगल क्या है, थीटा। तो पेपर में जब बनाऊंगा तो ये ऐसे 3D कैसे दिखाऊंगा आपको, डायग्राम ऐसा दिखेगा। तो ये पोलराइजर है और ये एनालाइजर है, देख रहे हो, पोलराइजर है और एनालाइजर है, क्लियर है यहां तक? अब पोलराइजर एनालाइजर में एंगल जीरो है फिर तो लाइट बाहर आएगी, 90 भी नहीं आएगी, पर अगर एंगल थीटा होगा तो क्या होगा? तो लॉ ऑफ मैलस ये बताता है पोलराइजर एनालाइजर में अगर एंगल थीटा है तो कितनी लाइट बाहर आएगी। तो मान लो लाइट आई अनपोलराइज, पहले पोलराइजर ने इसको पोलराइज कर दिया, ये एक्सेस अब 90 डिग्री पे लाइट नहीं जाएगी, थीटा पे है तो कुछ तो जाएगा। इस लाइट का जो पोलराइज हो चुकी है बीच में उसका एम्पलीट्यूड मान लो ए है, तो एम्पलीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी, थीटा एंगल पे उसका कंपोनेंट गिर जाएगा। जैसे ये ए है, थीटा एंगल पर उसका कंपोनेंट गिरेगा ए कॉस थीटा, तो बाहर जो लाइट निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। जैसे मान लो थीटा दोनों एक्सिस में 90 है तो कॉस 90 क्या है, जीरो, तो कोई एम्पलीट्यूड बाहर नहीं निकलेगा, जीरो हो गया। और अगर थीटा जीरो है तो ए कॉस जीरो इज ए, तो पूरी की पूरी लाइट बाहर निकलेगी। तो लॉ ऑफ मैलस क्या कहता है, एम्पलीट्यूड जो बाहर निकलेगा, एम्पलीट्यूड वो ए कॉस थीटा है, तो कितनी इंटेंसिटी बाहर निकलेगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर का मतलब जो लाइट पोलराइज है उसका एम्पलीट्यूड ए ए है, तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर क्या होता है, इंटेंसिटी। तो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी मान लो आई नॉट है, तो बाहर कितनी निकलेगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये लॉ ये बता रहा है कि अगर मान लो आपके पास एक लाइट है जिसमें ये अनपोलराइज लाइट है, ये पहले पोलराइजर में पास की गई तो लाइट क्या हो गई, पोलराइज हो गई। फिर एक एनालाइजर लिया, एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में सपोज एंगल क्या लिया, एक्सिस में थीटा, तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसकी मुझे पता नहीं क्या है, तो यहां पे लॉ ऑफ मैलस क्या कहता है कि इंटेंसिटी बाहर जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। लॉ ऑफ मैलस मैंने यहां पे लगाया है पोलराइज लाइट और इसमें, मैंने अनपोलराइज और पोलराइज में थोड़ी ना लगाया है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो आप अपने फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, ये चीज नोट करें जो मैं नोट करवा रहा हूं। ये देखो, आप इसमें ऐसे लिखें, सबसे पहले केस नंबर 1 इसमें लॉ ऑफ हेडिंग डाल लें, पोलराइजेशन हेडिंग है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में लॉ ऑफ मैलस कैसे यूज करते हैं, इसके अंदर केस नंबर 1 बना लें कि ये आपके पास एक लाइट है जो क्या है, अनपोलराइज्ड है, ये रही। इसके आगे ये टॉर्मलिन क्रिस्टल बनाएं, टॉर्मलिन क्रिस्टल है, लाइट क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई। इस लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, और एक आप ड्रॉ करें एनालाइजर, एनालाइजर और पोलराइजर में इमेजिन करें एंगल थीटा, तो बाहर जो इंटेंसिटी आएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है हम करने क्या चाह रहे हैं इसमें, ये केस बनाए 1 फॉर्मूला रजिस्टर में। केस नंबर 2
केस नंबर वन क्लियर है, मैंने लॉ ऑफ मेलस कहाँ लगाया, पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज लाइट पे लगाया, ठीक है, बना लिया डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, केस नंबर टू बनाओ, केस नंबर टू फिर से अनपोलराइज लाइट बनाओ, ठीक है, अनपोलराइज लाइट बनाओ, पोलराइजर बनाओ, लॉ ऑफ मेलस अब मैं यहां लगाने जा रहा हूं, मान लो इसकी अनपोल, यहां लिखो ये लाइट कौन सी है, अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी क्या है, I नॉट है, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I नॉट है। अब मैं लॉ ऑफ मेलस यहीं पे लगाने जा रहा हूं, अब एक प्रॉब्लम है, इसका जो एक्सिस है इसके साथ एंगल क्या बना रहा है, इसके साथ जीरो, ये वाली लाइट का जीरो, ये वाली, ये अगर ये लाइट लेते हैं तो इसके साथ एंगल जीरो, और अगर ये लेते हैं तो एंगल क्या बनाएगा 90, अगर ये लेते हैं तो 60, ये लेंगे 45, कुछ भी, तो एंगल 0 से 360 सारे बन जाएंगे इसके साथ, तो सारे बनेंगे, तो यहां पर इंटेंसिटी बाहर क्या आएगी, I नॉट इनटू cos स्क्वायर थीटा। प्रॉब्लम ये है, थीटा तो 0 और 2 पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है, हम इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे, cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ है, तो बाहर लाइट कितनी आएगी, I नॉट बाय 2, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी लॉ ऑफ मेलस अनपोलराइज लाइट एंड पोलराइज लाइट के बीच में लगाना हो तो ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो I नॉट से क्या हो गया, I नॉट बाय 2, बात ही खत्म करो, ठीक है। और फिर हो सकता है आपको ये भी क्वेश्चन में आगे गिवन हो कि एक और टॉर्मलिन क्रिस्टल है, ये लो, सच दैट इनके बीच में एक्सिस अगर थीटा है, तो अब बाहर लाइट पता है कितनी आएगी, I नॉट बाय 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अब अगर आपका न्यूमेरिकल ध्यान से पोलराइज लाइट और इसके बीच में है, फिर तो I नॉट बाई 2 की जरूरत ही नहीं है, फिर पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी केस नंबर वन I नॉट गिवन होगी, I नॉट cos स्क्वायर थीटा। पर अगर उसने स्टार्ट कहां से किया, अनपोलराइज से, फिर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे हाफ, फिर आगे लॉ ऑफ मेलस लगाना पड़ेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है, कि क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन यहां से यहां पूछ रहा है या क्वेश्चन यहां से यहां पूछ रहा है। तो अगर अनपोलराइज लाइट से स्टार्ट करेगा, पहले सीधी वैल्यू हाफ करो, आई नॉट बाई 2 से आगे लगेगा। डिफरेंस क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। हमने पोलराइज से पोलराइज पे लगाया है ना, इसमें नहीं हुआ ना, वो सीधा I नॉट से स्टार्ट करेगा, वो बात ही नहीं करेगा पीछे क्या हुआ। फर्स्ट केस में कहेगा कि पोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी 24 है, तो 24 cos square theta, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी 24 है तो पहले 12 करना पड़ेगा, फिर 12 cos square theta, ये है। I नॉट कंफ्यूजन क्रिएट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सीधी वैल्यू देती है, ठीक है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे लगाना है लॉ ऑफ मेलस। लॉ ऑफ मेलस में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क करने को आ जाए, लॉ ऑफ मेलस में इंटेंसिटी का एंगल के साथ जो एंगल बनेगा, पोलराइजर का क्या एंगल बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा, तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, मैथ्स में कॉस स्क्वायर ग्राफ ये बनता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मार्क करना है, कॉस स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है यहां तक।